सो हेलो स्टूडेंट मेरा नाम अंजलि कुमारी है एंड जैसे कि आप सब जानते हो कि कल के दिन मतलब फोर्थ ऑफ मार्च को सीबीएसई का फिजिक्स का एग्जाम हुआ था तो आज के दिन हम इसके क्वेश्चन पेपर की रिव्यू लेने वाले हैं कि पेपर कैसा था तो जितना मैंने ये पेपर एनालाइज किया है ये पेपर अभी तक आए हुए सीबीएसई के सबसे हार्डेस्ट पेपर में से एक था ओके बिकॉज सीबीएसई का जो जनरल पैटर्न होता है पेपर बनाने का जनरली फिजिक्स का तो फिजिक्स के पेपर में जनरली 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं एंड अराउंड 40% अराउंड 40% ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होते हैं बट ये जो हमारा इस साल का पेपर आया था 2024 का इसमें मैंने पाया कि अराउंड 75% ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में से थे एंड अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ क्वेश्चन थियोरी में से थे एंड जो क्वेश्चन आए थे या तो वो बिल्कुल डायरेक्ट थे या फिर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग थे अगर हम बात करें इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की तो हमने पाया ये कि जो एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन थे सेक्शन ए बी ये काफी ज्यादा ही टफ आए थे बट बट जो इनके जो लास्ट सेक्शन था फाइव मार्क्स वाला या फिर जो सेक्शन आया था जिसमें आपको पैसेज रीड करके आंसर देना होता है वो काफी रिलेटिवली इजी था तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पेपर में आए थे जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर वन वे द टू चार्जेस प्लस क्यू इज केप्ट एट टू ए डिस्टेंस अपार्ट दो चार्जेस जो है पॉजिटिव क्यू वो टू ए डिस्टेंस अपार्ट है एंड एक थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू इनके बीच में प्लेस कर दिया गया है इस प्लेस मिड वे बिटवीन दम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीआर टी एंड एनसीआर टी एग्जाम्पलर में है एंड पेपर जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना सारे एनर्जी की इक्वेशन चेक करके देख लेना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एन सी टी एग्जाम्पलर से आया था जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है कि दो बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल है एक में सेवन पी उसका वो है चार्ज है और एक का प्लस फोर पी चार्ज है इन दोनों को कांटेक्ट में लाए एक थर्ड बॉल के साथ तो उसका